जय हिंद दोस्तों। देखिए हम लोग आज टॉपिक देखते हैं बायोलॉजी का सबसे मेन टॉपिक, एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है नर्वस सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिस्टम से कि तंत्र किसे कहते हैं। सिस्टम जब कई चीज़ें आपस में जुड़ी रहती हैं ना, और अगर किसी एक को भी हटा दें तो उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाए तो उसे सिस्टम कहते हैं। जैसे बोलचाल के भाषा में हम कंप्यूटर को सिस्टम बोलते हैं। आप कंप्यूटर का कीबोर्ड हटाइए, आपका परफॉर्मेंस बिगड़ेगा। माउस हटाइए, कुछ परफॉर्मेंस कम होगा। उसी तरह से ये क्या है, एक सिस्टम है। इसमें हर चीज़ आपस में लिंक है, हर चीज़ का आपस में एक परफेक्ट रोल है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब ये नर्वस सिस्टम करता क्या है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को बोलते हैं नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा टोटल बॉडी, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, ए टू जेड कंट्रोल होता है, जिसमें उसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का सबसे मेन हिस्सा होता है ब्रेन। इस नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो रोल होती है वो किसकी होती है, वो ब्रेन की होती है। जो हमारा ब्रेन होता है ये सबसे मेन पार्ट है हमारे बॉडी का, कह सकते हैं कि यह कंप्यूटर है हमारे बॉडी के लिए। अब ये जब इतना मेन पार्ट है हमारे बॉडी का, तो ज़रूरी भी है कि इसको सेफ्टी देना ज़रूरी है। तो ये जो ब्रेन है ये क्रेनियम नाम की एक हड्डी में बंद रहती है, कपाल में, क्रेनियम बोलते हैं उस हड्डी को। तो ब्रेन को जो सपोर्ट देता है, यानी ब्रेन को जो रक्षा देता है, ब्रेन की रक्षा, वो क्रेनियम नाम की एक हड्डी में होती है। ये आठ हड्डियों का एक ग्रुप है, आठ बोन्स का एक ग्रुप है जो क्रेनियम नाम की हड्डी बनाता है, जिसके अंदर जो ज्वाइंट पाए जाते हैं वो फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं जो बहुत ही मजबूत होते हैं, जिसे हम कहते हैं रेशेदार जोड़। ब्रेन का जो जोड़ होता है वो रेशेदार जोड़ के नाम से जाना जाता है, वो बहुत ही मजबूत होता है यह ब्रेन का जोड़। क्रेनियम इसको हड्डी को मजबूती दे दिया। अब जो ये मजबूती दिया क्रेनियम नाम की हड्डी, तब इसके अंदर हमारा ब्रेन आ जाएगा। तो ब्रेन को एक पतली झिल्ली भी सपोर्ट देती है, ताकि ब्रेन उस हड्डी से डायरेक्ट टच ना कर जाए, क्योंकि डायरेक्ट टच करेगा तो फिर ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो एक पतली झिल्ली होती है जो ब्रेन को रोक के रखती है, उस झिल्ली को बोलते हैं मेनिनजॉइट। अब ये प्लास्टिक के समान होती है। हमारा ये बाल हो गया, बाल के अंदर ये हड्डी हो गई क्रेनियम, ये तो चमड़ा हो गया, इसके अंदर क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर अब मेनिनजॉइट नाम की एक थैली होगी। उस थैली में हमारा ब्रेन होगा, जिसका वजन होता है 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में इसका वजन होता है। अब कभी हमको चोट लगा तो वो क्रेनियम उस चोट को बर्दाश्त कर लेता है, बट कभी कभी क्या होता है, चोट ज़्यादा लगा तो क्रेनियम को पार करके वो पहुंच जाता है अंदर, और वहाँ फिर एक ब्रेन को सेफ्टी देने के लिए एक झिल्ली है जिसे बोलते हैं मेनिनजॉइट। अगर मेनिनजॉइट डिस्टर्ब हो गया, उसको अगर क्षति पहुँच गई, तो फिर आपको एक बीमारी होगी जिसे बोलते हैं मेनिनजाइटिस नाम की बीमारी, जो आप डिजीज नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे, ब्रेन नाम के चैप्टर में नहीं, उसके बारे में हम ज़्यादा फोकस डिजीज नाम के चैप्टर में करेंगे। तो ये हो गया आपका मेनिनजॉइट नाम का चैप्टर। अब हम मेनिनजॉइट नाम की झिल्ली एक पतली परत हो गई। अब आगे देखते हैं हम इसको मेनिनजॉइट की बात करें। अब देखिए, देखते हैं ब्रेन। ब्रेन बना किस चीज का होता है, तो ब्रेन जो बना होता है तंत्रिका कोशिका का बना होता है। इस कोशिका को हम न्यूरॉन सेल कहते हैं, न्यूरॉन कोशिका भी कहते हैं। ब्रेन बना होता है हमारे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका, ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका। इस कोशिका की एक खराबी क्या है, इसमें कोई भी सेल डिवीजन यानी पुनर्निर्माण यानी कोशिका विभाजन नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ब्रेन जो है वो बना है तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन सेल का, और उसमें कोई भी रिकंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता, इसका मतलब अगर ब्रेन पे चोट लगा तो फिर वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए पुलिस कहती है कि शरीर का कोई अंग सेफ्टी रहे ना रहे, बाइक चलाओ तो बाबू हेलमेट जरूर पहन, क्योंकि इसके ये बना हुआ है न्यूरॉन सेल का, और न्यूरॉन सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, और ये सेंट्रोसोम ही होता है जो रिकंस्ट्रक्शन करके हमारे शरीर को उसे ठीक कर देता है। ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होता है, जिस वजह से ब्रेन के अंदर कोशिका विभाजन नहीं होती है। इस वजह से ब्रेन में अगर चोट लगी तो ज़्यादा संभावना, बचने की संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है न्यूरॉन सेल। अब एक चीज़ और हम जानते हैं कि सेंट्रोसोम अगर सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा कर देता है तो उसी को हम कैंसर कहते हैं। ये सेंट्रोसोम हमारे ब्रेन में होता ही नहीं है, इसका मतलब ब्रेन में कोई भी कोशिका विभाजन सेल डिवीजन होती नहीं है, और जब सेल डिवीजन नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन की बात ही नहीं आती है,
तो फिर कैंसर कैसे होगा? बावजूद इसके ब्रेन में कैंसर हो जाता है। एक जगह हम बोल रहे हैं कि ब्रेन बना है तंत्रिका कोशिका का, जिसे कहते हैं न्यूरॉन सेल, जिसमें कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, फिर कैंसर क्यों हो जाता है? तो इसका प्रॉब्लम क्या, समझिए। ब्रेन का 90% भाग जो होता है वो न्यूरॉन सेल का बना होता है, यानी तंत्रिका सेल का, जिसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है और जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होती है, और वो कैंसर नहीं हो सकता है। लेकिन ब्रेन का कुछ भाग, लगभग 10% भाग, न्यूरॉन ग्लियल सेल का बना होता है। वो न्यूरॉन ग्लियल सेल में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं और वो सेंट्रोसोम के वजह से कोशिका विभाजन हो जाती है, और वो जब कंट्रोल के बाहर होता है तो ब्रेन में कैंसर हो जाता है। ब्रेन कैंसर का पहला स्टेज ट्यूमर को ट्यूमर कहा जाता है। बट ब्रेन इतना नाजुक होता है कि वो ट्यूमर में ही व्यक्ति की जान ले लेता है, ब्रेन कैंसर होने की नौबत ही नहीं आने देता है। स्टार्टिंग स्टेज में ही ब्रेन ट्यूमर में जान ले लेता है। तो सबसे बड़ी कोशिका हो गई न्यूरॉन सेल, यानी तंत्रिका कोशिका। आप फिगर देख सकते हैं न्यूरॉन सेल का, ऐसे। न्यूरॉन सेल की जो लंबाई होती है उसे हम कहते हैं साइनेप्स। न्यूरॉन सेल की लंबाई को हम कहते हैं साइनेप्स। ये न्यूरॉन सेल की लंबाई होगी। बट अगर आप न्यूरॉन सेल का लास्ट हिस्सा देखेंगे तो उसका जो सिरा होता है, जहां वो जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के नाम से जानते हैं, वो जो साइड में होता है। अब ब्रेन में एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से जुड़ा नहीं रहता है, डायरेक्टली अटैच में नहीं रहता है, वो हल्का गैप बना के रखता है दोनों के बीच में। अब ये हल्का गैप है, अब ब्रेन में सिग्नल जाएगा कैसे? जब दो न्यूरॉन के बीच में, अगर आप फिगर देख रहे हैं तो न्यूरॉन का लास्ट एरिया जो होता है उसको हम कहते हैं एक्सॉन। अब एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से करेक्ट डायरेक्टली अटैच में नहीं है, हल्का बीच में खाली जगह है। अब कोई मैसेज जाएगा कैसे उस खाली जगह में? तो उस मैसेज को ले जाता है सोडियम, Na जिसका नाम होता है सोडियम। सोडियम अगर हमारे बॉडी में कम हो गया तो बॉडी में सिग्नल नहीं जाएगा। अब कभी कभी जब हमें गर्मी लगती है तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पसीना ज़्यादा आने की वजह से पसीना के साथ साथ हमारे बॉडी का सोडियम भी निकल जाता है। अब जब सोडियम निकल गया तो ब्रेन के अंदर जो सोडियम था, जो सिग्नल ले जा रहा था, उसी की में सोडियम ही कम हो गया तो हमारा ब्रेन अच्छा से काम नहीं करता है। और अगर ज़्यादा सोडियम निकल गया तो फिर चक्कर आने लगेगा, आदमी बेहोश होकर गिर भी सकता है। तो उसको डबल प्रॉब्लम हो गया, उसको ताकत भी चाहिए और फिर सोडियम भी चाहिए। तो ताकत कैसे देगा आदमी? उसको चीनी पानी देगा तो ग्लूकोज हो गया, उसमें एक चम्मच नमक भी डाल देता है क्योंकि नमक NaCl का बना होता है। तो ताकत भी मिल गया और उसे सोडियम भी मिल गया, वो फिर से वो चलने लगता है। इसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, जल की कमी। डिहाइड्रेशन में जल भी कम हो जाता है और सोडियम भी दे दिया जाता है ताकि उसका ब्रेन जो वो अच्छे से वर्क कर सके। तो ये साइनेप्स हो गया, सोडियम के भाग हो गए यहाँ पे। अब आगे हम देखते हैं ब्रेन कैंसर, देख लिए कैसे कैसे होता है। एक्चुअली ब्रेन में अगर केवल नर्वस सिस्टम, तंत्रिका कोशिका होता, न्यूरॉन होता, तो कैंसर नहीं होता। ब्रेन में कोई भी सेल डिवीजन नहीं हो सकती, वो पुनर्निर्माण नहीं कर सकता है। सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण हमारा लीवर कर सकता है। लीवर को हम हिंदी में यकृत कहते हैं, उर्दू में हम इसे जिगर कहते हैं। अगर कोई लीवर में चाकू भी मार दे, निकाल देंगे, वो आराम से अपने खुद से ही वो अपने कोशिकाओं को स्वतः ठीक कर सकता है, क्योंकि उसमें रीजनरेशन, रिकंस्ट्रक्शन की सबसे ज़्यादा पावर होती है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक ब्रेन पर, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, जिससे हमेशा क्वेश्चन अक्सर पूछा करते हैं, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। पार्ट्स ऑफ ब्रेन को हम लोग देखते हैं अच्छे से, तो ब्रेन के ना बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, जो मेन फ्रंटियल पार्ट होता है, बाहर का होता है अग्र मस्तिष्क। एक होता है मध्य मस्तिष्क, ये बीच का होता है। अंदर जब ब्रेन को खोद के अंदर जाएंगे तब उसमें मिलेगा मध्य मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क एकदम पीछे होता है, जो हमारे गर्दन के साइड में चला आता है, यहाँ पे पश्च मस्तिष्क उसको बोलते हैं। तो ब्रेन के तीन पार्ट्स हो गए। अब हम इन तीनों पार्ट्स को पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अग्र मस्तिष्क से। तो जो अग्र मस्तिष्क है, हम इसी को तीन भाग में बांट देते हैं। पहला जो होता है उसे कहते हैं सेरिब्रम। अग्र मस्तिष्क का पहला भाग सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। अभी हम पहला स्टार्ट करते हैं सेरिब्रम से। सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। 66% ऑफ ब्रेन अकेले सेरिब्रम ले लेता है। इसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं, प्रमस्तिष्क के नाम से जानते हैं। यह हमारे ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हमें हमारे मेमोरी पावर, हमारी याददाश्त क्षमता, जिज्ञासा, नई नई चीज़ों को सीखने की क्षमता, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है सेरिब्रम पर। अगर जिसका सेरिब्रम तेज है उसमें जिज्ञासा ज़्यादा रहेगी, ये भी कर ले, वो भी कर ले, कई तरह के काम करना चाहेगा, वो कोई भी चीज़ को जल्दी भूलेगा नहीं। अगर उसका सेरिब्रम तेज है तो उसका मेमोरी पावर एकदम तेज होता है। ये मेमोरी पावर पे ही डिपेंड करता है, सारा मेमोरी पावर आपका सेरिब्रम पर डिपेंड करता है। अगर सेरिब्रम कमज़ोर तो फिर आपका याददाश्त भी कमज़ोर। अब कुछ कुछ लोगों का सेरिब्रम बहुत तेज होता है, तुरंत पढ़ते हैं, याद हो जाता है।
और कुछ लोगों का शरीर भ्रम तो एकदम गया गुजरा रहता है, किसी को देखेंगे तो कहेंगे ओहो लगता है हम आपको कहीं देखे हैं, शायद आप पापा हैं, इस तरह से वो लोग हो जाते हैं, उनका तो शरीर भ्रम पूरा ही खत्म है एक तरह से कहिए तो। तो शरीर भ्रम ये मेन हिस्सा हो जाता है। अब हम आते हैं थैलेमस पे। शरीर भ्रम के बाद अगला पार्ट होता है थैलेमस। देखिए दोनों आपस में नाम मिल रहे हैं ना तो काम भी हल्का हल्का मैच करता है। थैलेमस जो होता है ना बाहरी वातावरण का आभास कराता है, बाहर एटमॉस्फेयर में क्या है उसकी जानकारी देता है हमको थैलेमस। यानी अगर बाहर ठंड है तो हमको थैलेमस बताएगा, बाहर गर्मी पड़ रहा है हमको थैलेमस बताएगा, कोई बाहर से पीट रहा है हमको थैलेमस बताएगा, अगर कोई पीछे से ऐसे पिन चुबा दिया तो ऐसे आदमी चौंक जाता है, थैलेमस बताया है। बाहर गर्मी बहुत पड़ रही है, बॉडी को बताता है कि बहुत गर्मी है पड़ रही है, कौन बताता है थैलेमस। ठंड पड़ती है थैलेमस, यानी बाहरी वातावरण का जानकारी कराता है थैलेमस। अगर कोई शराब पी लिया है तो उसका थैलेमस अच्छे से काम नहीं करता है, इसलिए शराबी को कितना भी पीटिए उसको दर्द नहीं करता है, सुबह में दर्द करेगा, जब थैलेमस काम करना चालू करेगा तब तो पूछेगा शरीर भ्रम से कौन पीटा था रात में, याददाश्त रहेगा तो बताएगा कौन ठीक है कौन पीटा उसका। तो थैलेमस हो गया ये बाहरी वातावरण का। अब हम आते हैं हाइपोथैलेमस में, ये भी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है बट बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को। अगर बॉडी के टेम्परेचर अंदर ज्यादा है तो पसीना के रास्ते छोड़ देगा, और अगर टेम्परेचर बॉडी के अंदर का कम है तो पसीना निकालेगा ही। और जबकि थैलेमस क्या कर रहा था, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है या कम है उसकी जानकारी दे रहा था, और हाइपोथैलेमस अंदर टेम्परेचर ज्यादा है या नहीं ये उसकी जानकारी देता है। हाइपोथैलेमस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह हाइपोथैलेमस से ही हमारा नेचर डिसाइड होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही गुस्सा का नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस ही प्रेम का नियंत्रण करता है, यही हमें भूख लगाता है, यही हमें प्यास लगाता है, पसीना इसी से नियंत्रण होता है, बॉडी के अंदर का जो भी चेंजिंग होता है यही डिसाइड करता है। हाइपोथैलेमस की वजह से ही हम लोग लाल पीला हरा करने लगते हैं। लड़का का हाइपोथैलेमस कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होता है, इसलिए लड़का कहीं चाय पीते रहेगा बगल से एक लड़की गई अरे बाप रे तुरंत देखने लगता है, जबकि फीमेल में हाइपोथैलेमस उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, इसलिए फीमेल घास भी काटते रहेगी बगल से सलमान खान गुजर जाएगा नहीं देखेगी। अब बेचारा लड़का क्या करे, उसका हाइपोथैलेमस भगवान थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया, इस वजह से चक्कर पकड़ ज़्यादा कर देता है। तो ये हाइपोथैलेमस ही हम लोग को इधर उधर लाल पीला हरा कराता है। स्टूडेंट लोग थोड़ा इस पर ध्यान देंगे, हाइपोथैलेमस को कम रखेंगे, शरीर में सल्फोनिक एसिड की मात्रा बढ़ने या उत्तेजन भोजन को करने से हाइपोथैलेमस बढ़ जाता है, इसलिए आप देखे होंगे साधु संत इत्यादि लोग लहसुन प्याज उत्तेजक भोजन नहीं करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा करेंगे तो हाइपोथैलेमस उन लोग का ज़्यादा एक्टिव रहेगा और वो ज़्यादा लाल पीला हरा करेंगे, आसाराम के श्रेणी में चले जाएंगे। चलिए अब आप देखते हैं अग्र मस्तिष्क, आप समझ गए ये ब्रेन का मेन हिस्सा है अग्र मस्तिष्क। यानी थैलेमस क्या करता है, बाहर का ताप, बाहर का ज्ञान, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, प्रेम, घृणा, भूख, प्यास, लव, घृणा, भूख, प्यास, पसीना, ये सारे चीज का नियंत्रण करता है हमारा हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारे पार्ट का। अब हम आते हैं मध्य मस्तिष्क पे। मध्य मस्तिष्क के केवल दो ही भाग होते हैं, मध्य मस्तिष्क कहेंगे, ये होता है कॉर्पोरा। कॉर्पोरा क्या करता है, जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं उसको ब्रेन तक ले जाता है, कि वो ले जाता है सेरिब्रम के पास, सेरिब्रम के पास। अगर हम किसी को देखेंगे तो आँख उसको देखेगा फोटो, और वो किसको देगा, कॉर्पोरा को, कॉर्पोरा सेरिब्रम को देखेगा, कहेगा देखो तो कौन है, ओहो ये तो मेरी वाली है, तुरंत आदमी बता देता है, ओहो ऐसा बात है, जब सुनने के बाद तुरंत वो बता देता है कि ये कौन सा बात बोलना चाहता है। तो कॉर्पोरा जो होता है वो देखने और सुनने का काम करता है, उस सिग्नल को वो पहुंचाता है ब्रेन तक में। तो ये कॉर्पोरा बहुत जरूरी है, बुढ़ापा में कॉर्पोरा उतना अच्छा से काम नहीं करता है, बुढ़ापा में तो कोई भी चीज़ अच्छा से काम नहीं करता है। अब अगला देखते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रल या पेंडिकल। सेरिब्रल या पेंडिकल क्या होता है, देखिए हमारा जो ब्रेन होता है हर चीज़ का एक असिस्टेंट चाहिए होता है। जैसे आप जानते होंगे प्रधानमंत्री हैं, अकेले काम नहीं करते, उनके लिए एक बहुत बड़ा मंत्रियों की फौज होती है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, कभी कभी तो हमारे यहाँ पे उप प्रधानमंत्री भी बना दिए जाते हैं जो संविधान में चर्चा नहीं है। अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को उप प्रधानमंत्री की ज़रूरत क्या, उनको नहीं फील हुआ इसलिए उन्होंने नहीं बनाया। तो सेरिब्रल क्या करता है पेंडिकल, कि हमारा जो ब्रेन है
उस ब्रेन का एक असिस्टेंट है जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे ब्रेन के नीचे से गया रहता है और पूरे पीठ तक आया रहता है, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच, उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आपसी संबंध बनाने का काम करता है कि देखो ब्रेन बिजी है, स्पाइनल कॉर्ड को कहता है तुम रेडी रहना। ब्रेन क्या है? बिजी है, कभी भी वो बिजी हो सकता है, तो तुम बॉडी को कंट्रोल कर लेना। तो ये सेरिब्रल पेंडिकल भी बहुत जरूरी है। तो हम समझे यहाँ पे अग्र मस्तिष्क देखें, मध्य मस्तिष्क देखें। मध्य मस्तिष्क का कॉर्पोरा पेंडिकल देखने और सुनने का काम करता है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं आई एंड ईयर, यानी देखने और सुनने का काम करता है। और ये क्या काम करता है सेरिब्रम? ये करता है कनेक्ट कर देता है, किससे? कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, ये इसका मेन काम हो गया। अब हम देखते हैं पश्च मस्तिष्क, ये सबसे पीछे का हिस्सा होता है जो गर्दन के पास हो जाता है, ये थोड़ा सा कमजोर हिस्सा होता है, क्योंकि हमारा अगर ब्रेन देखेंगे तो आगे जो होता है ये क्रेनियम हड्डी होती है जिसमें 8 होती है, जबकि पीछे का भाग अगर आप खुद से अपना बॉडी ब्रेन को टच करेंगे तो ये जहाँ बाल है पीछे, यहाँ पर आपको मांस दिखेगा, वहाँ पे हड्डी नहीं है, वहाँ एक बहुत बड़ा होल है, वो शरीर का सबसे बड़ा होल रहता है जिसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। अगर यहाँ किसी को जोर से मार दीजिए तो उसको दिमाग काम नहीं करता है, अगर ज़्यादा जोर से लग गया तो मौत भी हो सकती है उसकी, इसलिए कभी भी ब्रेन पर नहीं मारना चाहिए और खास करके पीछे के हिस्सा पे नहीं मारना चाहिए, वो पश्च मस्तिष्क पर सेफ्टी नहीं पहुँच पाता है। पश्च मस्तिष्क को दो भाग में बांटते हैं, सेरिबेलम, ये क्या करता है सेरिबेलम? हमारे बॉडी को बैलेंस बनाने का टोटली काम सेरिबेलम का होता है, जितना हमारे बॉडी में बैलेंस बनता है वो सेरिबेलम की वजह से बनता है। बैलेंस, हम चल रहे हैं आराम से चल रहे हैं सेरिबेलम की वजह से, क्योंकि हमारा सेरिबेलम हैबिचुएटेड हो गया हमारे बॉडी का बैलेंस बनाते वक्त। लेकिन अगर कोई 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, उसका सेरिबेलम अभी एक्टिव नहीं है, तो बैलेंस बना के चलता है, आराम आराम से चलता है। अभी हम ही को कोई कह देगा कि रस्सी पे चलो, तो हमारा सेरिबेलम कहेगा कि पगला है क्या, आज तक कभी चलाया नहीं, लेके चलता है रस्सी पे चलो, सर्कस में नहीं चल सकता है। लेकिन सर्कस में चल लेते हैं, सर्कस में आदमी छोड़ो गाय भैंस चढ़ा देते हैं, सोचते हैं उन लोग का भी सेरिब्रम ठीक कर देते हैं सोचते। तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जिस दिन सेरिबेलम को पता चल गया कि कैसे बैलेंस बनाना है वो बैलेंस बना लेगा। शराब जब पीते हैं तो सेरिबेलम काम करना छोड़ देता है, इसलिए शराब वाला गजब अपने आप में चलता है, वो अपने आप को सबसे बड़ा पावरफुल इंसान समझता है, तो सेरिबेलम बैलेंस बनाने का काम कर दिया। अब लास्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा का काम क्या होता है, यानी ये तो बैलेंस बना दिया, मेडुला ऑब्लोंगाटा ये हमारे बॉडी में एक मेटाबॉलिक चीज़ों को, सारे मेटाबॉलिक चीज़ को कंट्रोल करता है। अब ये मेटाबॉलिक क्या होता है? मेटाबॉलिक इज अ फंक्शन बाय विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारे शरीर में होते हैं। दो तरह के मेटाबॉलिक होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिक, एक होता है एनाबॉलिक। अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसे कहते हैं एनाबॉलिक, जैसे कार्बोहाइड्रेट 38 एटीपी को मिला के एक ग्लूकोज बन दिया, वो हो गया एनाबोलिक। जैसे प्रोटीन 20 एमिनो एसिड को मिलाकर एक प्रोटीन बन गया, वो हो गया हमारा एनाबोलिक। और कैटाबोलिक क्या होता है? जो टूट जाता है उसे कहते हैं कैटाबोलिक, जैसे हम खाना खाते हैं पाचन होकर वो टूट जाता है तो वो हो गया कैटाबोलिक। तो कैटाबोलिक और एनाबोलिक को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है मेटाबोलिक। तो मेटाबोलिक जितनी भी चीज़ें हैं वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा मेडुला कंट्रोल करता है। अगर मेडुला गड़बड़ हुआ तो हमारा मेटाबॉलिक क्रिया खत्म हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, पाचन अच्छे से नहीं होगा, शरीर के अंदर सारा क्रिया मेडुला ही कंट्रोल करता है। कभी आप सोचें, आप खाना जब खाते हैं तो केवल मुंह से नीचे ढकेलने तक मेहनत करते हैं, इसके बाद सारा काम ऑटोमेटिक सिस्टम है, कोई स्क्रीन टच बटन कीपैड की जरूरत नहीं है, वहाँ कौन करता है? ये हमारा मेडुला करता है। मेडुला बॉडी के अंदर का जितना क्रमानुकूचन, पाचन, श्वसन इत्यादि को कंट्रोल करने का काम हमारा मेडुला कर देता है। तो मेडुला भी शरीर ब्रेन का एक बहुत बड़ा भाग होता है। अब हम एक बार इसको समरी के तौर पे देख लेते हैं। ब्रेन के 3 भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र भाग जो होता है वो 3 भाग में बढ़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। 66% भाग होता है, इसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। ये याददाश्त, स्मृति, जिज्ञासा, नई नई चीज़ों को खोज करने की क्षमता को बढ़ाता है। थैलेमस बाहरी चोट, बाहरी गर्मी, बाहरी सर्दी को का ज्ञान कराता है। हाइपोथैलेमस अंदर की गर्मी, पसीना, तापमान, घृणा, प्यार, भूख, प्यास इत्यादि को कंट्रोल करता है। मध्य मस्तिष्क का कॉर्पोरा सुनने और देखने का काम कर देता है, और ये सेरिब्रल कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ देता है। और ये लास्ट वाला हिस्सा होता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? पश्च मस्तिष्क का पहला हिस्सा सेरिबेलम, ये बैलेंस बना देता है। ये दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का, सबसे बड़ा भाग तो हो गया आपका सेरिब्रम, और सेरिबेलम जो होता है ना वो दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है।
अब ये मेडुला बॉडी के अंदर पाचन इत्यादि को कंट्रोल कर लेता है। ये हो गया हमारा ब्रेन। अब देखते हैं ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से 12 जोड़ी नस निकली रहती हैं, 12 जोड़ी तंत्रिका। तंत्रिका मतलब क्या होता है, नर्व्स, नसें निकली रहती हैं, 12 जोड़ी तंत्रिका। तंत्रिका निकल गई है 12 जोड़ी। ये हो गया हमारा ब्रेन। अब हम बात करते हैं सेकेंड ब्रेन की। सेकेंड ब्रेन हम किसे कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को। हमारे शरीर का पिछला जो स्पाइनल कॉर्ड है इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड ब्रेन। अब बात करते हैं सेकेंड ब्रेन। ये ब्रेन से ही निकला होता है और पिछला हिस्सा होता है, नीचे तक आ जाता है रीढ़ की हड्डियों के बीच से। आप फिगर में उसको देख सकते हैं, सेकेंड ब्रेन यानी स्पाइनल कॉर्ड को। चलिए देखते हैं अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में हम बोलते हैं मेरु रज्जू। ये ब्रेन का सेकेंड भाग होता है, इसलिए इसको ब्रेन सेकेंड ब्रेन कहते हैं, क्योंकि जब भी कभी ब्रेन बिजी रहता है तो सारी जिम्मेदारियां वो सेकेंड ब्रेन यानी स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जू को दे देता है। अब ये ब्रेन को तो सेफ्टी देने का काम कौन कर रहा था, क्रेनियम नामक हड्डी। अब ये स्पाइनल कॉर्ड भी सेकेंड ब्रेन है, इसको भी तो सेफ्टी चाहिए, इसको सेफ्टी कौन देगा, तो रीढ़ की हड्डी। ये रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से गया रहता है और कमर तक आया रहता है स्पाइनल कॉर्ड पे, पूरे नीचे तक आया रहता है। इससे 31 जोड़ी नसें निकली रहती हैं, 31 जोड़ी नस तंत्रिका, 31 जोड़ी तंत्रिका निकली रहती है, 31 जोड़ी, जबकि ब्रेन से निकला रहता है 12 जोड़ी तंत्रिका। हमारा ब्रेन टोटल 12 जोड़ी तंत्रिकाओं से अपना सारा काम करता है और पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकला रहता है, यानी इस साइड में 31 नस और इस साइड में 31 नस निकला रहता है। टोटल 31 जोड़ा नस निकला रहता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, और ब्रेन से निकला रहता है 12 जोड़ा। मेन बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है ब्रेन। कभी कभी जो होता है ब्रेन बिजी होता है तो वो सारी जिम्मेदारी दे देता है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड करता है, नो डाउट हम एकदम बढ़िया से कर देंगे, लेकिन उसको आदत तो है नहीं करने का। अब कोई काम जो डेली कर रहा है वही अच्छे से करेगा, और जो कभी कभी करने आ रहा है वो उतने अच्छे से कैसे करेगा। पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम ब्रेन करता है, और उसको पता है कैसे कंट्रोल करना है बॉडी को, हाथ को कैसे उठाना है, किसको क्या, एक नॉर्मल वे में उठाता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को क्या पता हो, तो कभी टेम्पररी में आया स्टेपनी में, तो ब्रेन अगर लग गया कहीं पढ़ाई वगैरह पे लगा दिए, तो सारा बॉडी पढ़ाई पे लग गया, ब्रेन कह रहा है स्पाइनल कॉर्ड को तुम संभालना, हम पढ़ रहे हैं। तो आदमी पढ़ते रहता है, स्पाइनल कॉर्ड एकदम रेडी रहता है अपने 31 जोड़े नसों के साथ, यानी टोटल 62 नस रेडी रहना है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन बिजी है। और अचानक हमारा कोई दोस्त पीछे से आके बोलता है, ए भाई, चौंक जाते हैं, अरे क्या हो गया, क्यों, क्योंकि ब्रेन तो पढ़ रहा था, स्पाइनल कॉर्ड बेवकूफ 62 नसों के साथ यानी 31 जोड़ा नसों के साथ हमेशा रेडी था। कोई बोला सबको जगा दिया, कहा देखो तो कौन बोल रहा है, तब ब्रेन कहता है बेवकूफ ला हम संभालते हैं, तब वो देखता है कि ओ भाई बताओ क्या हुआ था। तो ये अचानक कंट्रोल कर देता है कौन, स्पाइनल कॉर्ड। इस चीज को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, अचानक जो रिएक्शन होता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। टोटल रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम जो करता है वो स्पाइनल कॉर्ड करता है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन इसको हम कहते हैं अनुवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन या अनुवर्ती क्रिया। जैसे पलक का झपकना स्पाइनल कॉर्ड देखता है, छींक का आना स्पाइनल कॉर्ड देखता है, खांसी आना स्पाइनल कॉर्ड देखना, जो भी अचानक होने वाली क्रियाएं होती हैं उन सबको देखने का काम करता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, इसलिए इसको हम लोग सेकेंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। हम अचानक चौंक जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड की वजह से, कभी कभी सोने में लोग चौंक जाते हैं, गाँव में लोग बोलते हैं चिहूक गया, तो वो किसके वजह से होता है, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से होता है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं मेरु रज्जू। तो ये हो गया हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये मेन बॉडी को कंट्रोल किया ब्रेन, और सेकेंड रूप से कंट्रोल किया स्पाइनल कॉर्ड। ये हम देख लिए स्पाइनल कॉर्ड, अब आगे समझते हैं। चलिए हम लोग ब्रेन के बारे में देख लिए थे कि ब्रेन क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देख लिए थे, लेकिन शुरुआत में ही बताए थे आपको कि ब्रेन नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का एकमात्र हिस्सा है। अब हम लोग मेन टॉपिक देखते हैं तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र तीन होती है, ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाले चीज को कहते हैं तंत्रिका तंत्र। इसके तीन भाग होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये बाहर बाहर होती है, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये पूरी तरह फ्री होती है, ये वर्क हमारे कंट्रोल में नहीं करती है। तो सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, पहला आता है ब्रेन, दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन हो गया और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये तो हम समझ गए हैं, ब्रेन के बारे में बता दिए आपको और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बता दिए। इसका मतलब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र समझ गए। जो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का सबसे मेन पार्ट होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र,
और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे मेन पार्ट होता है ब्रेन। अब हम देखते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, बाहर बाहर यानी पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र क्या होती है, तो इसमें क्या होती है, जो ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी तंत्रिकाएं हैं, 12 जोड़ी तंत्रिका, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला 31 जोड़ा जो तंत्रिका थी, तंत्रिका, उनको अगर हम मिला दें तो ये बन जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। यानी अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड लें तो वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ब्रेन से निकलने वाले 12 नसों को पकड़ ले और ये तंत्रिका तंत्र से निकलने वाले 31 नसों को ले ले, तो उन नसों के समूह को हम क्या कहते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी वो बाहर बाहर से कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ये क्या होता है, इसके बारे में पूरी तरह से क्लियर, इसका क्लियरिटी, इसका कहां कहां से कनेक्शन है वो उतना जल्द इजी नहीं होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है इसकी रचना। ये बनता कैसे है, तो देखिए ब्रेन से कितनी नसें निकलती हैं, 12, और इस 12 जोड़ी, सॉरी 12 नहीं, और स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नसें निकलती हैं, 31। तो ब्रेन से निकलने वाली 12 नसों में से कुछ तंत्रिका को, टोटल नहीं, कुछ तंत्रिका को, और स्पाइनल कॉर्ड से भी निकलने वाली 31 जोड़ा तंत्रिका में से कुछ तंत्रिका को मिला दीजिएगा तो बन जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यानी तंत्रिका तंत्र को अगर आप डीपली अगर देख रहे होंगे तो आप देखेंगे तो मेन तंत्रिका तंत्र जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का तीन हिस्सा, केंद्रीय, परिधि और स्वायत्त। केंद्रीय में कौन चला गया, मेन ब्रेन चला गया और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। परिधि में ब्रेन से निकलने वाला नस आ गया और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला नस आ गया, यानी ब्रेन से निकलने वाला 12 जोड़ा और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला 31 जोड़ा, टोटल को शामिल कर दिए तो परिधि हो गया। और परिधीय का ही छोटा रूप तो आप कह सकते हैं स्वायत्त कोशिका तंत्रिका तंत्र है, क्योंकि परिधीय में से 12 लिए थे लेकिन 12 ना लेके इसमें से कुछ ही शामिल करेंगे, ब्रेन से निकलने वाला 12 और स्पाइनल कॉर्ड में से 31 टोटल ना लेके कुछ ही शामिल करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब हम देखिए ये हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, ये अचानक होने वाली क्रिया को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि 31 जोड़ा नस वगैरह है सब। अब ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या करता है, ऑटोनोमस तंत्रिका तंत्र, ये दो तरह की क्रियाओं को करता है, अनुकंपीय क्रिया और परानुकंपीय क्रिया, ये दोनों क्रियाएं कंट्रोल करता है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो बना होता है ब्रेन से निकलने वाली 12 तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिका तथा स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ा तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिका का। ये दो क्रिया करेगा, अनुकंपी और परानुकंपी। अनुकंपीय क्रिया और परानुकंपीय क्रिया क्या होती है, तो देखिए अनुकंपीय क्रिया क्या होती है, वैसी क्रिया जिसमें हमारा बॉडी अचानक डिसबैलेंस हो जाए, एबनॉर्मल कंडीशन चला आता है, तो उसे कहते हैं अनुकंपीय क्रिया। ये एबनॉर्मल कंडीशन कब आते हैं, तो देखिए कब आएंगे, कभी कभी हमारा मुंह सूख जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आने लगता है, लार ग्रंथियां सूख जाती है, मुंह एकदम सूख जाएगा, हार्ट बीट तेज हो जाता है, आंखें बड़ी हो जाती हैं, इस क्रिया को कहते हैं अनुकंपीय क्रिया। और जब ये ठीक होने लगता है तो उसे कहते हैं परानुकंपीय क्रिया। अब आपको नहीं समझ में आया, सपोज आप कहीं छत पे खड़े हैं रात के अंधेरे में, शादी ब्याह का माहौल, किसी के शादी की पार्टी में गए और अकेले चुपचाप छत पे खड़े हैं, सारे नीचे में पार्टी हो रहा है, रात हो चुका है, अचानक आपको छम छम करके घुंघरू की आवाज़ सुनाई देने लगी, आपका दिमाग खनक गया, तुरंत आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये क्या है, और अगर घुंघरू की आवाज़ आप ही की ओर आने लगे तो पूरा मुंह सूख जाएगा आपका, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगा आपका, तेज हो जाएगा, पसीना निकलने लगेगा, हाथ पैर कांपने लगेगा, ये सारी क्रिया क्या होती है, अनुकंपीय। और घुंघरू की आवाज़ करीब आते गई, करीब आते गई, अचानक कोई आपके पीठ पर पीछे से हाथ रख दिया, फिर तो हार्ट बीट एकदम तेज हो जाएगा, ये सारी क्रियाएं अनुकंपी क्रिया होती है, एकदम तेज हो जाएगा। आप अचानक देखेंगे पीछे तो खुले बाल में कोई औरत, सफेद कपड़ों में, रात का समय, छत पे कोई नहीं है, पूरा हार्ट बीट एकदम तेज, ये क्रिया होती है अनुकंपी। आप ध्यान से देखेंगे उसको, तब कहेंगे द्वैत तरीके, ये तो हमरे वाली है रे, मेकअप नहीं किया है इसलिए ना ऐसा लग रही है यहाँ पे, तब आपका सारा डर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप में जो जो अनुकंपीय क्रिया हुई थी वो स्वायत्त यानी ऑटोनोमस जो फ्री है अपने से, उसको कह देगा परानुकंपी, आपकी आंखें बड़ी होगी थी, नॉर्मल हो जाएगा, रोंगटे खड़े हो गए थे, रोंगटे अपने जगह पे नस चले जाएंगे, मुंह सूख गया था, वापस मुंह
में लार बनना चालू हो जाएगा, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगा, पसीने रुक जाएंगे, और अगर पेशाब उशाब कर दिए डर के मारे तो कहेंगे बाद में आते हैं हम यहाँ पे। तो वो सब क्रियाएं क्या होती हैं, परानुकंपी, यानी अगर डर के मारे कभी किसी किसी डर जो हो जाता है, अचानक डर होता है, उसे कहते हैं अनुकंपी, और नॉर्मल हो जाता है तो उसे कहते हैं परानुकंपी। जैसे भीड़ भाड़ के माहौल में गए, अचानक हल्ला कर कोई कर दिया, सांप निकल गया, तो वो क्या होता है अनुकंपी, फिर कहते हैं देख मजाक कर रहा था, तो होता है परानुकंपी। इसे ब्रेन नहीं कंट्रोल करता है, ना ही स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। ब्रेन से निकलने वाला 12 नस में से कुछ नस और 31 तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाएं इसको कंट्रोल करती हैं। ये सारे सिस्टम को मिलाकर बनता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का तीन हिस्सा हो गया, आप तीनों हिस्सा को अच्छे से समझ गए। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ये नर्वस सिस्टम का टॉपिक समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।